हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, शनिवार के दिन यदि आप ये मंत्र जाप करते हैं तो दोस्तों आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे परेशानी खत्म हो जाएगी और आपकी मन की इच्छा तुरंत पूर्ण करेंगे भगवान शनिदेव। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र के बारे में जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, शनि ग्रह की विशेष पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शनि देव के पिता सूर्य देव है। शनि का रंग काला होने की वजह से सूर्य देव इन्हें अपना पुत्र नहीं मानते हैं। इस कारण से शनि हमेशा अपने पिता से बैर भाव रखते हैं। शनिवार के दिन शनि देव की उपासना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन उन्हें सरसों का तेल अर्पित किया जाता है। वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह का बहुत ही अधिक महत्व होता है। शनि मकर और कुंभ राशि के होते हैं। शनि तुला राशि में उच्च के और मेष राशि में नीच के माने जाते हैं। शनि बहुत ही मंद गति की चाल से चलते हैं। शनि एक राशि में दूसरी राशि में जाने के लिए 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। शनि की दशा 7.5 साल तक होती है, जिसे शनि की 7.5 साथी कहते हैं। दोस्तों, शनि को क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जी हाँ, शनि न्याय करने वाले ग्रह है। अच्छे कर्म करने पर जातकों को शनि शुभ फल प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वालों जातकों पर अपनी तिरछी नजर डालते हैं। शनि की टेढ़ी नजर पड़ने से उस व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की परेशानी आने ही लगती है। व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल और रोगी होने लगता है। दोस्तों, शनि अगर व्यक्ति के कुंडली में उच्च हो तो उसे रंग से राजा बना देता है। दोस्तों, ऐसे में आप शनि को भगवान शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, आपके तमाम कष्ट दूर करना चाहते हैं, तो ये शनि का बीज मंत्र ओम शन शनि चराय नमः, इस मंत्र का शनिवार के दिन 108 बार जाप करने से व्यक्ति के हर कष्ट दूर हो जाती है और व्यक्ति को हर एक सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये अवश्य करें, इससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे और आपकी मन की इच्छा तुरंत पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में ओम शनि चराय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।